हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन ट्यूब कलर्स को कैसे यूज़ करना है और सही ट्रिप जो कि हम ट्यूब कलर्स को यूज़ करेंगे कैनवास के ऊपर। मैं आपको पूरी टिप वीडियो ये बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रश होना चाहिए वो अच्छा स्मूद होना चाहिए। तो मैं आपको सारी डिटेल्स, एक से एक डिटेल इसके अंदर आपको दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। हाँ, सबसे पहले पेंटिंग करने से पहले जिस ट्रे में आप कलर निकालेंगे उस ट्रे को अच्छे से थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, जिस ब्रश से आप पेंट करने वाले हैं उस ब्रश से पानी लेकर। इससे ये होता है जब हम एक्रेलिक कलर्स के ऊपर रखते हैं तो हमें बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमेशा वेट ही रहते हैं। देखिए, इसको बिल्कुल इस तरह से अच्छे से इसको कर लेना है। फिर उसके बाद हमें छोटे छोटे कलर से, कि मुझे अभी अपनी ड्राइंग के लिए तीन कलर लेने हैं। एक लेना है मुझे रेड, ब्लू और वाइट। तो इन तीनों को मैंने धूल धूल लिया है, वो भी इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इन दोनों से अलग अलग कलर बनाना है। जैसे कि वाइट ब्लू से मुझे बनाना है लाइट ब्लू कलर, उसके बाद वाइट और रेड से मुझे बनाना है पिंक कलर। चलिए इसको बनाते हैं। अगर मैं इनको पूरा एक साथ यूज़ कर देता तो ये शायद सही से नहीं हो पाता, और क्या पता इसका रिज़ल्ट अलग निकलता तो मेरे कलर भी वेस्ट हो जाते, इसलिए मैंने इनको दूर दूर रखा था। और हाँ, जब भी हमें एक ही ब्रश को धोना हो और उसमें वापस से सेम कलर में डिप करना हो तो हम उसको बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐसे करेंगे ताकि जो उस पर रिमूव पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर वो रिमूव हो जाए। और फिर जो हमारे कैनवास ड्राइंग है, अगर आपके पास गैसो नहीं है तो आप इस तरह से जो होल्स बचे रहते हैं कैनवास शीट के अंदर, इन्हें आप कवर कर सकते हैं डिटेलिंग के साथ। और हाँ, मैं आपको गैसो के बारे में भी बताऊंगा लास्ट में कि गैसो क्या होता है। और हाँ, फिर जब हमारी पेंटिंग हो जाए तो हमें इस ब्रश को लेके बहुत अच्छे से इसको इसके अंदर डिप करके पानी में इसको साफ़ करना है। इसमें बिल्कुल भी पुराना कलर नहीं छूटना चाहिए, ये देखिए। और हाँ, जब आपका पानी एक बार गंदा हो जाए फिर आप उसे न्यू पानी ले लीजिएगा न्यू कलर को डिप करने के लिए, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। इसे भी मैंने पहले थोड़ा सा निकाल के करके देखा तो ये जो मुझे कलर चाहिए था वो सेम कलर हो रहा है। तो अब चलिए मैं इसको अपनी कैनवास पे अप्लाई करता हूँ। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा हमेशा अपने साथ दो कंटेनर रखिएगा पानी के, जिससे आप एक बार एक कलर को एक पानी में डिप करें तो वो पानी गंदा हो जाएगा लेकिन दूसरा पानी गंदा नहीं होगा दूसरे कलर के लिए। तो अब मैंने इस पे भी नीचे पिंक कलर कर दिया। और हाँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, भले आप मास्किंग टेप साइड में लगाएं लेकिन आपका ज़्यादा कलर मास्किंग टेप के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उससे कलर वेस्ट होता है और कैनवास शीट पे कम जाता है। और हाँ, ब्रश को पेंटिंग करने के बाद बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके, उसको वॉश करके, फिर अच्छे से टिशू या किसी भी कपड़े के ऊपर इसको अच्छे से ड्राई करके फिर ही आप अपने जो जहाँ पर ब्रश रखते हैं वहाँ पर रखिएगा। और हाँ, मैं आपको एक और टिप बताता हूँ, कभी भी आप किसी यूज वाटर से जो है हमारी जो ट्रे है उसके ऊपर कभी भी आप ट्रे के ऊपर वाटर स्प्रेड मत करिएगा, क्योंकि जो उसके अंदर कलर ऑलरेडी हो जाता है जब आप अपने ट्यूब कलर्स उसके अंदर निकालेंगे तो वो पूरा मिक्स हो जाके गंदा हो जाएगा। तो आप न्यू फ्रेश वाटर लीजिए, फ्रेश वाटर को उसके ऊपर स्प्रेड करिए। और हाँ, इस प्रोसेस में आपके ब्रश को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे ब्रश भी ख़राब हो जाते हैं, इसको बिल्कुल सॉफ्टली करिए। और यहाँ पर आपको एक और टिप बताता हूँ, आप कभी भी किसी गंदे कपड़े गंदे टिशू से कभी पेंटिंग को सुखाने के लिए मत रखिएगा, या आप जल्दी सुखाने के लिए अक्सर लोग ऐसा करते हैं, इससे पूरी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। और हाँ, मुझे जो कि लीफ उस पर पेंट करनी थी तो मेरे कलर सेट में दो न्यू कलर्स हैं, सैप ग्रीन और एक येलो कलर है, तो अब इन दोनों कलर्स को मैंने ले लिया है। और साथ में ब्लैक कलर जब आप इसमें निकालते हैं कभी भी ट्रे में ज़्यादा पानी मत रहने दीजिएगा, उससे हमारे अक्सर कलर्स के साथ ये होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे रोकना है। जब भी हमारा कलर इस तरह से फैल जाता है ज़्यादा पानी होने की वजह से, तो हम कोई भी कपड़ा लेके कलर के बिल्कुल पास में टच करके रख दीजिए, तो उससे जो भी आसपास पानी होगा वो सोख कर लेगा और बाकी का पानी आप खुद कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसके आसपास रख के हम इसका पानी सोख कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको नई टिप बता दूँ, कभी भी हम कैनवास पे कलर करते हैं ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर इस तरह से कुछ हमारी पेंटिंग ख़राब होने लग जाती है, तो आप इसको बिल्कुल आप इसको अवॉइड करिएगा ऐसे ज़्यादा पानी लेना। और ये मेरी थोड़ी पेंटिंग बन चुकी है, सके आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल ब्रश और ख़राब ब्रश का फ़र्क, ये दोनों ही ब्रश हैं लेकिन पेंटिंग किससे करें, पहले ये ब्रश देखिए इसके ऊपर कितना सारा कलर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा और इसके ब्रिसल्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो चुके हैं, तो हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, इससे हमारी पेंटिंग का लुक ख़राब हो सकता है। और ये दोनों सेम साइज़ के ही ब्रश हैं, और इस ब्रश को देखिए इसमें कितनी स्मूथनेस है और ना ही इसके ऊपर कोई कलर छूटा है, तो हम इस ये अभी यूज़ करने के लायक है।
ये देखिए ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, मैं आपको न्यू टिप बताता हूँ, जब भी हम अक्सर वर्निशिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे ब्रशेज़ जिससे हम करते हैं वो ब्रशेज़ काफ़ी ज़्यादा कर्रे हो जाते हैं, इस तरह से पेंट नहीं हो पाता। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ब्रश भी हो चुका है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक टिप है, आप लीजिए एक बाउल में गर्म पानी, उस गर्म पानी के अंदर इस ब्रश को आधे घंटे के लिए रख दीजिए। फिर आधे घंटे के बाद आप जैसे ही इसको अच्छे से बिल्कुल इसके अंदर डुबो के रख दीजिएगा, फिर इसके आधे घंटे के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल स्मूथ ब्रश नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आधे घंटे हो चुके हैं, ये देखिए ब्रश कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और अभी पेंटिंग करने के लायक भी हो चुका है। अब इस तरह से इसको कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग जब भी पेंटिंग कर रहे हों तो हमारा कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल पेंटिंग पे होना चाहिए, खासकर कैनवास पे, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है, लोगों का जो कॉन्सेंट्रेट अलग जगह पे होता है तो उससे ड्राइंग ख़राब हो जाती है। तो ड्राइंग पर पूरा ध्यान दीजिए, इधर हो जाती है। और हाँ, जिसको मास्किंग टेप के बारे में नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ, मास्किंग टेप एक टेप होता है जिसको हम ड्राइंग के आसपास लगाते हैं बाउंड्रीज़ के पास, ताकि कलर उधर ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइंग कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है मास्किंग टेप लगाने की वजह से। इसको हम चारों कोनों पर कवर कर देते हैं जिससे कि फिर, और फिर बीच में ड्राइंग करते हैं जिससे कि हमारी बाउंड्रीज़ के आइट साइड ड्राइंग का कलर नहीं जाता है और ना ही फैलता है। हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी पेंटिंग को कितने नंबर के ब्रश से कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फर्क करता है। क्योंकि अगर हम मोटे ब्रश से पतली पतली स्ट्रोक्स बनाने की सोचेंगे तो काफ़ी सारे मोटी स्ट्रोक्स भी बन सकते हैं, इससे हमारी ड्राइंग भी ख़राब हो सकती है। तो हमें पेंटिंग के साथ साथ ब्रशेस का भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितने नंबर का ब्रश कहाँ यूज़ कर रहे हैं। और ये है गैसो, जो कि इतनी छोटी बॉटल में आती है, ये इसको अक्सर इसलिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कभी भी हम जो कैनवास पर ड्राइंग करते हैं तो हमें गैसो पहले लगाना चाहिए, जिससे जो बीच में जगह छूट जाती है हमारी पेंटिंग की, उसमें ड्राइंग के अंदर भी स्मूथनेस आ जाती है। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, इसमें ये सारे टूल्स हैं, इसे अप्लाई करने के लिए ड्राइंग के अंदर आ जाती है स्मूथनेस। और ये देखिए बिफ़ोर आफ्टर, और इस तरह से कुछ ड्राइंग हमारी लगने लग जाती है।